हॉर्स एंड टू गोट को आर के नारायण ने लिखा है, या केरल में बेस्ड एक इमेजिनरी स्टोरी कृतम, जिसको क्राउन कहते हैं इंग्लिश में, तमिल भाषा का यह शब्द है, उसी का मतलब कि मुकुट जिसको राजा पहनता है। तो यहाँ पर पहले में कह देता है कि मैप में आपको कृतम नाम का विलेज नहीं मिलेगा। भारत में करीब 5 लाख गांव हैं और इन गांवों में आपको कृतम का दर्शन संभव नहीं। यहाँ पर कुल 30 मकान है जी, 30 मकान है और 4 रो में बटे हुए हैं। थर्ड रो में एक दुकान है, चौथे रो में कैरेक्टर जो मुनि है उसका घर है। वो बहुत गरीब स्थिति में है, उसका कोई इशू नहीं है, बाल बच्चा नहीं है, उसकी पत्नी रहती है और वो बहुत कोढ़ी किस्म का है। एक समय 40 भेड़ और बकरियां थी, शिप एंड गुड्स, बट राइट नाउ ही हैज नथिंग, ही वाज पाउपर। कहानी इसी तरह से बढ़ती है कि शुरुआत में वो कहता है कि हम ड्रमस्टिक, डोमेस्टिक नहीं, ड्रमस्टिक मतलब सहजन, मूंगा जो भी कह लो उसको तोड़ कर लाए, जरा सा इसका सॉस बना दो पत्नी से। तब पत्नी भड़क जाती है, कहती है कि अजब सा सिचुएशन है यार, घर में कुछ खाने को नहीं है और तुम कह रहे हो कि ड्रमस्टिक से हम बना दे सॉस। तो पता है सॉस के सारे सामान को ले आओ। अब सॉस के सारे सामान को लाने के लिए दुकानदार के पास जाता है, दुकानदार से पहले ही 5 रुपया तक का कर्ज ले चुका है, पर वो गरीब आदमी चुकाने की स्थिति में नहीं था। जाके खखाड़ता है, ऐसा से कफ करता है। दुकानदार कहता है कि आज क्यों खांसी हो गया है, तुम तो इतना कचरा फैला दोगे कि सारा मेरा सामान सब गटर में चला जाएगा। इस पर बहुत दुखी होता है कौन, मुनि बहुत दुखी होता है। मुनि समझ जाता है कि आज मेरा दाल नहीं गलने वाला है, हालांकि वो बहुत सारा बहाना बनाता है कि मेरी बेटी ने मुझे कहा है कि वो मेरे बर्थडे आने वाला है, तो मेरे बर्थडे पर पैसा 10 रुपये भेजेगी तो मैं 5 रुपये आपको चुका दूंगा। तो दुकानदार बोलता है कि अभी तो तुम्हारा जन्मदिन का समारोह चल रहा था, तो उसमें तुम क्या किए थे कि तुम ले गए थे बहुत सारा चीज़ उधार मांग के, और अब तुम्हारा फिर जन्मदिन आ रहा है, कितना साल के हो? तो वो कहता है मुन्नी की 50 साल। तो कहता है जरा तुमको देखने से तो लगता है कि तू 70 साल का बुढ़ा। सत्तर साल। तो अब ये सब चीज़ को लेकर बेचारा समझ जाता है कि दुकानदार नहीं दिया, तो घर आके अपनी पत्नी को बोलता है कि तुमको जो बनाना है सो बना दो। वो दुकानदार को गाली देता है, कुत्ता कमीना कहता है कि साला वो हमको प्रोवाइड नहीं कराएगा, स्काउंडरल शब्द है कमीना। और इसके बाद उसकी पत्नी भी भड़क जाती है, कहती है कि कुछ कमाना धमाना है नहीं, तुम यहाँ पर आते हो और केवल टिंगल उंगल छाँटते हो, कुछ देना उना है नहीं, लाना तो है नहीं, तो फिर काय के लिए तुम यहाँ पर हो, जाओ गोट को लेके जाओ। मुन्नि समझ जाता है कि आज पत्नी कहीं से भीख उख मांग के लाएगी, काम उम करेगी, तब जाके घर पर कुछ अनाज दाना आएगा तो हम खाएंगे पियेंगे, नहीं तो अब तो पत्नी का गुस्सा शामिल शांत होने वाला बात है नहीं। तो 2 गो गोट है बचा हुआ रहता है, 4 out of 40 देर आर 2 गोट्स। तो दोनों गोट्स को लेकर चलता है कि चलिए भाई। तो शहर के बाहर में एक जगह हॉर्स और एक वॉरियर का स्टैचू है, वहीं पर वो ले जाता है, घास वगैरह रहता है उसी के कारण वहाँ पर ले जाकर अपने बकरियों को चराएगा। रात होगा, सूरज डूब जाएगी, द सन हैज सेट एंड ही विल कम। यहाँ पर यह उसका आउटस्किट मतलब बाउंड्री ऑफ कृतम है, जहाँ जो कि केरल का एक शहर है और तमिल लैंग्वेज को बोला गया है, तो हो सकता है तमिल का एक गांव हो। लेकिन जैसा कि आर के नारायण ने अपनी इमेजिनरी स्टोरी मालगुडी डेज में केरल का डिस्क्राइब किया है, आता है केरल की छवि, लेकिन यह कुछ क्लियर नहीं है। हाँ, मुन्नी का जो प्रॉपर्टी था 40 गोट एंड शिप क्यों खत्म हो गया था जी? फेमाइन आया हुआ होगा, अकाल या एपिडेमिक, ये सारे अननोन रीजन थे, क्योंकि यह बहुत ही यूज टू था कृतम। कृतम को इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्राउन। तो मुन्नी अब शहर के बाहर आउटस्किट पर आ गया। हॉर्स लाइफ साइज का था, लाइफ साइज मतलब जितना बड़ा घोड़ा उतना बड़ा उसका इमेज था, कले का बना हुआ था और इसको बेक्ड बर्न मतलब जिस तरह से ईंटे को मिट्टी से बनाने के बाद उसको बेक्ड किया जाता है, उस तरह से इसके इमेज को भी बेक्ड किया गया था।
कलर भी इसका ब्राइटली था और इट्स हेड प्राउडली प्रांसिंग इट्स फोर लेग्स। अब फोर लेग मतलब पीछे वाला लेग, जिस तरह से गदा उदा दुलत्ती मारता उस तरह से घोड़ा एकदम उठाए हुए उस पर एकदम ऐसे उठा हुआ था। तो इन सब चीज को देख के मुन्नि को लगा कि अरे बाप रे क्या सिचुएशन है, इतना बहुत ग्रैंड चीज है। मुन्नी अपना वहाँ पर यूज टू होता था, वही देख लेता था। वॉरियर भी था जो कि वहाँ पर सैचल लाइक मोस्टिक मतलब मूछ बहुत बड़ा मुच्छड़ था और बल्जिंग आई उसका आँख इस तरह से निकल रहा था, लग रहा था जैसे कभी खा जाएगा कौन वॉरियर। और एक्वलाइन नोज, नोज इस तरह एकदम टाइट लंबा सा नोज है, आप डोनाल्ड ट्रंप से उसकी तुलना कर सकते हैं, वो भला थुलू नोज था तो इसी तरह से था। हॉर्स Itself was said to have been as white as dhoti washed sheep. धोबी बोलती है, हालांकि धोबी लोग जितना वाश करके साफ कर देता है ना, इसी तरह से था। ये लड़का मेरा स्टूडेंट है, इसका नाम तारीख है, गंदा कर दिया इसलिए धोबी को धोती में पड़ दी, मेरा गलती नहीं है। And had its back pure of cover of pure brocade, मतलब लग रहा था कि बहुत अच्छा सा जीन उन ऊपर भर दिया गया, ड्रेस व्रेस के बैठेगा घोड़े पर सवार होगा और सरासर उड़ान भर देगा। रेड एंड ब्लैक लेसेज वाला क्लोथ टाइप का था। अब इसी में नन द विलेज रिमेंबर द स्प्लेंडर एज नो वन नोटिस द एग्जिस्टेंस। अब इस इतना भव्य और अच्छी उत्तम कलाकारी का जो घोड़ा था और उसके साथ वॉरियर था, इससे क्या लेना देना विलेज वाले को। उनके इन लोगों की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी, तो क्या वो उसके ग्रैंडियर, इसके आर्ट आर्किटेक्चर ये सब देखेंगे, वो सब कहते ऐसे ही रहने दो। मुन्नी वॉज स्पेंट इज वॉकिंग आवर एट द फुट, और वैसे ही घंटों बैठा रहता था फुट में, बकरी चढ़ रही है अपना बैठ के नींद मार रहा, भूखे पेट भूखे भजन न होए गोपाला, पेट बड़ा नहीं रहेगा तो ऐसे भी टंटनाना है। तो उस मुन्नी का भी स्थिति कुछ ऐसा ही था। और उस यहीं पर जिक्र है कि कुछ वैंडाल जो हुलिगंस लोग होते हैं, लड़का होता लड़का लड़की सबको देखिएगा ना कि पेड़ पर खरूच देगा, दीवार देखेगा तो दीवार पर लिख देगा कि आई लव यू प्रेम प्लस डैश जो भी है वो सब लिखता है। तो यहाँ पर इसी को यंग बंडाल्स का जिक्र है जो कि देखता है और अनटच्ड इवन द यंग बंडाल द विलेज हु गस ट्री ट्री ट्रंक पेड़ों पर खोद के अपना नाम लिख देता था कि डारिक चौप। अब इसी तरह से लिख दिया ल्यूड डिजाइन, बहुत अश्लील भद्दा, ल्यूड मतलब अश्लील होता है, डिजाइन बनाना होता है, वाल पर बना दिया। स्टैचू को छेड़छाड़ नहीं किया था और यह क्लोजर टू द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज एट वन टाइम, यहाँ पर यह बताता है कि एक समय जो कृतम विलेज था इस स्टैचू तक पहुँचा हुआ था, विलेज का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा था। लेकिन जैसा कि मेरे स्टूडेंट ने बताया है, फेमाइन आया, फेमाइन जो ड्रॉट कहते हैं, फिर फ्लड आया, बहुत सारे चीज़ के कारण विलेज सिकुड़ के सिर्फ चार रो में बट गया और अब यह बाउंड्री बहुत दूर था विलेज से। कौन सा विलेज? कृतम विलेज से। स्टैचू हैड बीन क्लोजर टू द पॉपुलेशन वंस, एक बार, एंड बट वेन द स्पॉटेड बॉर्डर ऑफ द विलेज, और विलेज के बॉर्डर मतलब बाउंड्री को देखा जाता था। मुन्नी सैट एट द फुट ऑफ द स्टैचू, उस दिन भी गया मुन्नी और उस स्टैचू के फुट पर बैठ गया। गर्मी थी, धूप बहुत जबरदस्त था। वॉचिंग हिज टू गोट गेज, अपनी दोनों बकरियों को देख रहा था, वो इधर उधर भटक रही थी। इन द एरिड सॉयल, सूखा हुआ सॉयल मतलब मिट्टी थी, घास उसका था नहीं। कैक्टस और लैंटाना बूसेज, कैक्टस और लैंटाना बूसेज आप देखिएगा कि ड्राई फॉरेस्ट ड्राई डेजर्ट में होता है तो यहाँ पर वही होते हैं, तो यहाँ पर कैक्टस और कैंटाना बूसेज को खा रहे थे। ही लुक्ड एट द सन, धूप को देखा ऊपर, कहा कि ओ इस तो सूरज दादा ऊपर में मौजूद हैं, हिला रहे हैं धरती पर। हैज टिल्टेड वेस्टवार्ड, मतलब कि वेस्टवार्ड की ओर टिल्ट कर गए, टिल्ट मतलब झुक, जैसे द अर्थ टिल्टेड 23.5 डिग्री अपने एक्सिस से, तो इसी तरह से टिल्टेड वर्ड यहाँ पर। बट इट वॉज नॉट द टाइम एट टू गो बैक होम, लेकिन मुन्नी सोच रहा था कि अभी हम गए हमारी पत्नी क्या हो जाएगी, आग बबूला हो जाएगी, एकदम वोल्केनो की तरह फटक जाएगी कि ओ जल्दी पहुँच गया, तब कुछ बोलेगा नहीं, और ऐसे मेरी वाइफ है जाओ कि इधर उधर काम करेगी, बड़े घर में है, एक बड़ा घर था, एक अमीर का घर था उसी विलेज में, तो वहाँ पर कुछ अनाज उनाज लाएगी तो हमारा पेट चल जाएगा। बड़ा कोढ़ी किस्म के मर्दाना का जिक्र है कि मर्दाना एकदम कोढ़िया, पत्नी कहीं कहीं से भीख मांग के या फिर कहीं से मेहनत करके, मेहनत कश महिला है। तो यह बताता है उस समय के महिलाओं का सिचुएशन
कि वुमेन्स कंडीशन वर पैथेटिक एंड दे वर नॉट एबल टू सस्टेन देयर लाइफ, हार्डली देयर वॉज पॉवर्ट, हार्डली देयर वॉज एनी काइंड ऑफ प्रॉस्पेरिटी इन द विलेज अपार्ट फ्रॉम वन और टू विलेज. ऑल द विलेजर्स वर नियरली इन अ रफ कंडीशन एंड कंडीशन ऑफ द एक्टर ऑफ दिस स्टोरी अ हॉर्स एंड टू गोट मून इज वेरी वर्स. वर्स एंड नॉट वेरी वर्स, सॉरी. तो मुन्नी सोच रहा था कि अब जाएंगे इस समय तो पत्नी भड़क जाएगी, इसलिए थोड़ा सा औरत का गुस्सा है और आग है, दोनों जब ठंडा हो जाए तभी जाना चाहिए, नहीं तो ऐसे पटपटा जाता है आदमी. तो इसीलिए ही हैड नो टाइम टू गो बैक होम, यहाँ पर लिखा हुआ है. इफ ही वेंट टू अर्ली हिज वाइफ वुड हैव नो फूड फॉर हिम. तो रात भर उसको टटरा देती, भूख को भोजन नहीं लाती, कहीं से जुगाड़े नहीं करती. ऑल्सो ही मस्ट गिव हर टाइम टू कूल अप. तो बहुत चतुर था मुन्नी इस हिसाब से, सामाजिक रूप से, व्यवहारिक रूप से, कि अपनी पत्नी को कूल डाउन होने का टाइम दे रहा था कि बढ़िया से मेरी पत्नी कूल डाउन हो जाए, कहीं से खाना वाना प्रबंध कर दो, उसके बाद रात में चलेंगे और उसके बाद चलने के बाद क्या करेंगे, भोजन को भोजन खाएंगे और सो जाएंगे. तो कोढ़ी आदमी था. बहुत सारे लोग होते हैं जो कि निखट्टू, आलसी, लेजी, वाट एवर, बहुत सारे सिनोनिम्स हैं. तो ऐसी तरह से उसके टेम्पर को शांत होने और फील सिंपैथेटिक, सिंपैथी मतलब सहानुभूति होता है, ताकि उसके प्रति दया की भावना आ जाए कि देखिए मेरा हस्बैंड दिन भर भूखे रह के आया है और चुपचाप मुंह झुकवा झुका हुए अपने तो काम कर रही है, तो वो काम कर गई तो भी सहानुभूति की भावना हो. देन सी वुड स्क्रेज स्क्राउंज एंड मैनेज टू गेट सम फूड. तब अपना गुस्सा उस्सा को इधर उधर निकाल देगी और कुछ भोजन वोजन ला के देगी पत्तल उत्तल में दोनों में. ही नोटिस्ड नाउ अ न्यू सॉर्ट ऑफ व्हीकल कमिंग डाउन एट फुल स्पीड. अचानक उसके जीवन का टर्निंग पॉइंट अभी आता है जब देखा कि दूर से एक नए काइंड ऑफ व्हीकल आ रहा है. कैसा व्हीकल है, आज के जमाने में आप हाईवा को देखें ना, उसी तरह का व्हीकल है. आगे ट्रक टाइप का है, पीछे लॉरी लगा हुआ है, मतलब कि धक्का देने वाला उसमें सामान लेके जाता. इट लुक लाइक बोथ अ मोटर कार, आधा मोटर कार का सेप है. आप देखेंगे 50 का फिल्म, 40 का फिल्म, 30 का फिल्म, उन सब 30-40 के फिल्म में, तो 40 के दशक के फिल्म 90s में, तो आप देखेंगे किस तरह का आगे बीच में बैठा रहता था और पीछे लॉरी लगा हुआ उसी में ढोआ ढोई कर रहा है. तो कार और बस का मिश्रण था. ही यूज टू बी इंट्रीग्ड बाय अ नोवेल्टी ऑफ सच स्पेक्टिकल्स. तो इस तरह का वो इंट्रीग्ड मतलब थकान बढ़ गया था, उसका माटा उठा ऐसे ही उचट गया था, ये देखा था. बाय द नोवेल्टी ऑफ सच स्पेक्टिकल्स, कि इस स्पेक्टिकल्स मतलब चश्मा होता है लेकिन यहाँ पर दृश्य है, इस तरह के दृश्य की भव्यता को देख के वो काफ़ी इंट्रीग्ड रहता था. इंट्रीग्ड मतलब सोचता रहता था, थिंक बहुत ज़्यादा करता था. बट ऑफ लेट वर्क वॉज गोइंग ऑन एट द सोर्स ऑफ द रिवर ऑन द माउंटेन एंड एन असोर्टमेंट ऑफ द पीपल. लेकिन जिस तरह ऑफ लेट, लेकिन जिस तरह से वर्क चल रहा था, द सोर्स ऑफ द रिवर, नदी बह रही थी वहाँ पर, माउंटेनियस इलाका है. अब कृतम विलेज का डिस्क्रिप्शन है कि माउंटेनियस इलाका है, वहाँ पर रिवर भी है और असोर्टियम ऑफ पीपल मतलब लोगों का समूह, ग्रुप, असोर्टमेंट ऑफ द पीपल. ट्रैफिक वेंट पास में बहुत तेजी से गुजरता रहता था, कोई मतलब नहीं था, एक कृतम गांव, कोई बैलू वैलू नहीं था. एंड ही लुक्ड, ही टुक इट ऑल कैजुअली एंड डिस्क्राइब टू हिज वाइफ. तो जाता था तो अपनी पत्नी, इसके पास कोई बाल बच्चे नहीं थे, नो इशू एट ऑल, किसको, मुन्नी को. तो अपना पत्नी से जाता था तो दोनों पति पत्नी रात भर झगड़ता था, गाली गलौज भी करता होगा, मारपीट भी करता होगा, फिर बैठ के कहता था कि जी जानते हो आज रोड पर देखे ना कि गाड़ी चल रहा था, ट्रैफिक का बात कर, टाइम काटना होगा, इसी तरह से काटेगा जी, और क्या करेगा. एंड डिस्क्राइब हिज वाइफ इट लेटर लेटर इन द डे. एवरीथिंग ही सॉ टुडे व्हाइल ही ऑब्जर्व द येलो व्हीकल, पीले रंग की कार और बस का कॉम्बिनेशन वाला व्हीकल नया दिखा था, कमिंग डाउन. ही वॉज वंडर्ड हाउ टू डिस्क्राइब इट लेटर टू द वाइफ व्हेन इट स्पटर्ड and spotted in front of him. और कि अपनी वाइफ को कैसे बताएगा कि कौन सा गाड़ी है,
कैसा उसको पहली बार अपनी जिंदगी में द काइंड ऑफ व्हीकल ही हैज सीन, तो वहाँ स्पटर्ड हुआ बहुत अचानक, इट स्पटर्ड मतलब व्हीकल जो था ना वह कार नजर खड़खड़ाने लगा, ब्रेक डाउन ब्रोक डाउन कर दिया, और स्पॉटेड इन फ्रंट ऑफ हिम और आके उसी के पास खड़खड़ा कर रुक गया गड़गड़ा के, रेड फेसेड फॉरिनर हु हैड बीन ड्राइविंग इट गॉट डाउन एंड वेंट अराउंड इट एंड स्टूपिंग लुकिंग एंड पोकिंग अंडर द व्हीकल, व्हीकल को उतरा इधर उधर देखा, चिड़िया का पूत भी नहीं दिख रहा था, नहीं तो पेड़ घोड़ा के नीचे बैठा हुआ है मुन्नी, तब देखा फिर गाड़ियों को कुछ ऐसे ऐसे करके भोग कर देखा कि क्या है गाड़ी उड़ी चलता है भाई बीच में खत्म हो गया है। देन ही स्ट्रेंथेंड हिमसेल्फ, अब उसका ऐसा करके अंगड़ाई लिया गया, अब जरा सा हम स्ट्रेंथेंड किया एंड लुक्ड एट द डैशबोर्ड, डैशबोर्ड मतलब कार या गाड़ी का आगे वाला पार्ट होता ना उसको देखा, स्टीयर्ड इन मुन्नी डायरेक्शन, अब अचानक उसको मुन्नी की नज़र पड़ गई कि ओ ये तो है ही कहानी का हीरो, ही अप्रोच थी जरूरत कार वाले की थी तो पहुंचा उसके पास, एक्सक्यूज मी इज देयर अ गैस स्टेशन नियर बाय और डू आई हैव टू वेट अंटिल अनदर कार कम्स, तो बहुत भद्रता से पूछा कि माफ़ कीजिएगा महोदय क्या यहाँ पर कोई गैस स्टेशन है या मैं वेट करूं उतने देर तक कि कोई और गाड़ी आए जिसके पास एक्स्ट्रा गैस का स्टोरेज होगा तो मैं उसे बोरो करूं, यानी गाड़ी पेट्रोल से ज़्यादा गैस पर चलती थी, सीएनजी गैस दिल्ली वगैरह में चलता है आप देखेंगे तो उसी तरह का सिचुएशन है कुछ। ही सडनली लुक्ड अप द क्ले हॉर्स एंड क्राइड, अचानक उसकी नज़र पड़ गई उस घोड़े पर, लाजवाब घोड़ा, अब इस घोड़े को आप तुलना मत कीजिएगा उसका लकड़ी की काटी काटी का घोड़ा से, लकड़ी का नहीं था मिट्टी का घोड़ा था, और ट्रॉय का वार भी आप सुने कि घोड़े से जीती है उसमें पुलिस सब सिपाही सब घुस गया था, और उसने देखा तो चिल्लाया हॉर्स क्राइड मार्वेलस अद्भुत अविश्वसनीय विदाउट कंप्लीटिंग हिज सेंटेंस, मार्वेलस है वो एक एक्सक्लामेटरी वर्ड है, उसके बाद सेंटेंस कहाँ कंप्लीट किया, कंप्लीट भी नहीं किया वो, मुन्नी फेल्ट ही शुड गेट अप एंड रन अवे, बेचारा साधारण गरीब देखमंगा टाइप आदमी मुन्नी को देखा ना यहाँ पर आके जोर से चिल्ला रहा है अंग्रेजी में मार्वेलस, भड़क गया बेचारा, कहने का भागने का स्थिति हम साले भाग यहाँ से, ये कौन आके पगला नहीं अरे बोला, उसको डर लगता है कभी कभी, देखिएगा कि आप और हम साधारण इंसान हैं कोई बहुत बड़े बिल्डिंग को देख लेंगे और गार्ड वगैरह सिक्योरिटी देखते हैं तो कभी उसको देख के डर लगता है, अंदर जाने की इच्छा नहीं होती है, द काइंड ऑफ सिचुएशन इट वॉज, यही था एंड कॉस हिज इट, अब कहा कि आप बाप या खुदा इस उम्र में पहुंचा दिया, ही कुड नॉट रेडीली पुट अप हिज लिंब इनटू एक्शन, अब वो अपना हाथ गोड़ को ऐसे बैठ करके चुकी मुकी बैठा हुआ था स्क्वाटेड, कहा कि लिंब तो मेरा वर्क नहीं कर रहा आगने, तो भागे यहाँ से उठ के इधर फॉरनर आके कड़ा कि मार्वेलस, यहाँ पर कहानी का थोड़ा सा टर्निंग पॉइंट है, द रेड फेस्ड मैन वोर खाकी क्लोथ्स इविडेंटली अ पुलिसमैन अ सोल्जर, खाकी क्लोथ्स मतलब ब्राउन कलर में होता है ग्राउंड ग्रीनिश कलर में वो पुलिसमैन पहनता है, मुन्नी अपने मन में मन बुदबुदाया क्या है, ही विल चेज और सूथ इफ आई स्टार्ट रनिंग, कि मैं अगर कहीं दौड़ा तो ये हमको क्या करेगा सड़क पर पीछे तो बोलिए मार, तो सम डॉग्स चेज ओनली दोज हु रन, तब याद पड़ा कुत्ते की प्रवृत्ति के बारे में कि कुत्ता उसी को रखे देता उसी को चेज करेगा जो भागेगा, अगर कुत्ता के सामने आप जाके धीरे धीरे जा रहे हैं तो भूखेगा जरूर लेकिन रखे देगा नहीं, इंडियन कुत्ते की खासियत है, फॉरेनर तो बिना मतलब में रखे देता है, हम फॉरेनर नहीं कुत्ता इंडियन कुत्ते की बात कर रहे हैं, तो लेकिन इंडियन कुत्ता भूखेगा बहुत ज़्यादा लेकिन भैया दौड़ाएगा उसी को जो दौड़ेगा, अब वो याद करता अपने गॉड को द डिस्ट्रॉयर को, शिवा प्रोटेक्ट मी आई डोंट नो वाई दिस मैन शुड बी आफ्टर मी, कि आदमी मेरे पीछे पीछे काहे चलाया है साला ये समझ में नहीं आ रहा है, ही इज इट एंड मीन वाइल द फॉरनर क्राइड, इतने में वो फॉरनर था ना अमेरिका का था फिर का मार्वेलस, अब तो उसको आधा प्राण उसका था ना कहीं पर कहाँ होता नहीं मालूम, बता दीजिए नीचे कमेंट करके, तो वो साला वो खत्म हो गया
एंड नॉडिंग हिज हेड, मुड़ी हिलाना इस तरह से सहमति में इसको नॉडिंग कहते हैं। ही पेस्ड राउंड द स्टैच्यू विथ हिज आई फिक्स्ड ऑन इट, चारों राउंड तक स्टैच्यू के चारों ओर घूम गया कि ओ फॉर मुन्नी सैट फरोज फॉर अ वाइल, और एक मिनट तक तो मुनिया इसे फरोजन क्वीन आप देखिएगा फरोज हो गया तो उसी तरह। देन फिट जीटेड फिट गेटेड एंड ट्राई टू एज अवे, अब किसी तरह से जैसे तैसे थोड़ा सा अपना उतरा अकान क्या जो थोड़ा सा फरार हो जाते हैं यहाँ से भाग जाते हैं, ये बड़ा बुरा स्थिति है। नाउ द अदर मैन सडनली प्रेस्ड हिज पाम टुगेदर एंड स्माइल्ड, ले लिया इस तरह से हाथ अकान ऐसे स्माइल किया कहा नमस्ते, अपना हाथ नहीं वो गलती बोल दिया ऐसे नहीं किया ऐसे अपना हाथ करके कहा नमस्ते हाउ डू यू डू, कैसे हैं आप। At which Muni spoke only English expression he had learned. अपना जीवन में वो गरीब गंवार आदमी जो कुछ पढ़ा लिखा बेचारा नहीं था वो दो ही शब्द सीखा था यस नो, और उस जित उसके जिंदगी की पूरी कमाई यही थी इंग्लिश वोकेबुलरी वोकेबुलरी में, वो सबको एग्जॉस्ट कर गया, मतलब वो दोनों वर्ड एक के बारे में बोल गया यस नो। Having exhausted his English vocabulary, he started in Tamil. अब क्या उसके पास बचा था, तमिल लैंग्वेज में बोलना था, आर के नारायण की कहानी तमिल लैंग्वेज में, तो कहता है वो तमिल में बोला मैं तमिल नहीं बोल सकता इंग्लिश में बोल देता। माई नेम इज मुनी, these two goats are mine and no one can gainsay it. Gainsay मतलब इस बात को रिजेक्ट नहीं कर सकता, ठीक है। दो our village is full of स्लैंडरर्स, हाँ स्लैंडरर्स मतलब एक से एक बाहियात और घटिया आदमी है स्लैंडरर्स मतलब, वो क्या कह दोज डेज हु विल नॉट हेजिटेट टू से व्हाट बिलोंग्स टू अ मैन डज नॉट बिलोंग टू हिम, कि जो इसको बिलोंग करता है ना कहेगा ना उसका बिलोंग नहीं, उसका नहीं सामान मेरा सामान है, अब मेरा सामान वो कहेगा ना उसका सामान है, चलो बहुत ही बास्टर्ड करेक्टर का आदमी सब। द फॉरनर फेथफुली लुक्ड इन द डायरेक्शन एंड इंडिकेटेड बाय मुनी फिंगर्स, मुनि जो दिखलाया उधर तो अपना बात कर रहा था दो गोट के बारे में, गेज्ड फॉर अ वाइल एट द टू गोट, दो गोट को देखा, एंड द रॉक्स माउंटेन का जिक्र है कृतम मोह पर है माउंटेन और एक नदी भी है, विथ पजल्ड एक्सप्रेशन, अब उसके दिमाग में ऐसे कुछ आ रहा था क्या, तो एक्सप्रेशन लुक्ड आउट इज सिल्वर सिगरेट केस, सिगरेट का केस आजकल पैकेट पैकेट में आता है लेकिन अब वो सिगरेट का केस रखे होता है अमेरिकन ना है जी, और सिगरेट केस बट सडनली उसको रिमेम्बर किया तो इनको भी चाहिए, तो कटसी कटसी मतलब होता है शिष्टाचार सोशल एटिकेट्स, कि इसको भी दे दीजिए। डू यू स्मोक, नो